आइए आज आपको 2018 का सेट नंबर 3 इसका ट्रांसलेशन बताते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। स्वामी विवेकानंद देश के क्या थे? महान सपूत थे। तो इसकी अंग्रेजी लिख लीजिए, स्वामी विवेकानंद वाज द ग्रेट सन, ठीक है, द ग्रेट सन ऑफ द कंट्री। स्वामी विवेकानंद वाज द ग्रेट सन ऑफ द कंट्री या ए ग्रेट सन ऑफ द कंट्री, दोनों चलेगा। क्लियर? ए ग्रेट सन या द ग्रेट सन, महान है टाइटल है तो इसलिए द भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी विवेकानंद वाज ए ग्रेट सन या द ग्रेट सन ऑफ द कंट्री। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। तो पहले कह दो कि ही रेज्ड माने खड़ा करना, झंडा खड़ा करना या ऊंचा करना। ही रेज्ड द फ्लैग ऑफ इंडिया, ही रेज्ड द फ्लैग ऑफ इंडिया इन द वेस्टर्न कंट्री। पश्चिमी देशों में कह रहे जी वेस्टर्न, द फ्लैग ऑफ इंडिया भारत का झंडा, फ्लैग ऑफ इंडिया इन द वेस्टर्न, वेस्ट लिखे ई आर एन एडजेक्टिव हो जाएगा, वेस्टर्न कंट्री। उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। तो लिखो ही वाज बार्न, उनका जन्म हुआ था, ही वाज बार्न। क्लियर? इन ए हाँ संभ्रांत, ठीक है, संभ्रांत क्या अंग्रेजी होता है प्रेस्टिजियस, संभ्रांत मतलब जो प्रतिष्ठित परिवार हो, प्रेस्टिजियस स्पेलिंग को पी आर ई एस टी आई जी आई ओ यू एस, ठीक है, इन्हें प्रेस्टिजियस पी आर ई एस टी आई जी आई ओ एस बंगाली फैमिली, बंगाली रहे बी बड़े इसका बी एन जी एल आई, बंगाली फैमिली, बंगाली एडजेक्टिव हो जाएगा, आई लगा दो, बंगाली फैमिली ऑफ कोलकाता, कोलकाता ही रहेगा के ओ एल के ए टी ए, ठीक है। तो देखिए आगे फुल स्टॉप कर दूँ। अच्छा उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, लिखो हिज, ठीक है। अब देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हो कि हिज नेम वाज नरेंद्र इन चाइल्डहुड, ऐसे कर दो, या हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र, दोनों चल जाएगा। क्लियर? समझ गए कि नहीं? हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र ऐसे कर दो, या हिज नेम वाज नरेंद्र इन चाइल्डहुड, दोनों बात एक ही हुआ, समझ गए कि नहीं? उसके बाद लिखो हाँ था, परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। बट परंतु कहेंगे जी को बट आफ्टर बीइंग ए हर्मिट, सन्यासी मतलब हर्मिट साइंट भी लिख सकते हो, आफ्टर बीइंग ए हर्मिट एच ई आर एम आई टी लाइट ऑफ एसी एम आया था, हर्मिट माने सन्यासी। क्लियर? आफ्टर बीइंग होने के बाद ए हर्मिट एच ई आर एम आई टी कामा ही बीकेम विवेकानंद, ही बीकेम बन गए या हो गए एक ही चीज़ है, ही बीकेम बनना कहें बीकेम लिखा जाएगा मेट नहीं होगा, ही बीकेम विवेकानंद। अच्छा फुल स्टॉप कर दो, विवेकानंद वी आई वी ई के ए एन ए एन डी, फुल स्टॉप कर लिखो हाँ। फिर विवेकानंद गुरु से मिली भिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया, लिखो ही, ठीक है, सफल प्रयास किया, ठीक। ही ट्राइड टू फॉलो, तो पहले लिखोगे ठीक है, ही ट्राइड टू फॉलो, क्लियर, ही ट्राइड टू फॉलो, उन्होंने उतारने का प्रयास किया क्या, द टीचिंग ऑफ हिज गुरु, अपने गुरु से मिली शिक्षा, वही यानी कि गुरु की शिक्षा, ही ट्राइड टू फॉलो द टीचिंग टी ई ए सी एच आई एन जे ऑफ हिज गुरु, गुरु का गुरु ही रहना दो, उसे टीचर माने भी होता है, जी यू आर यू जी बड़े कर देना, द टीचिंग ऑफ हिज गुरु इन हिज लाइफ सक्सेसफुल्ली। क्लियर? इन हिज लाइफ अपने जीवन में सक्सेसफुल्ली माने सफलतापूर्वक।
गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। कहने का मतलब जैसे उन्होंने जो है गुरु की हर शिक्षा को अपनाने का अपने जीवन में सफलतापूर्वक प्रयास किया, तभी तो हो जाएगा सफल प्रयास। क्लियर? भाव के हिसाब से आपको ट्रांसलेशन करना। ठीक, अगला, राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दिया। तो पहले लिखो, हाँ लिखो, ही गेव, स्वामी जी मतलब ही लिख दो एक बार, तो स्वामी जी ही भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ही गेव या स्वामी जी गेव, ठीक है, ही गेव न्यू डायरेक्शन, एक बार लिख दीजिए स्वामी विवेकानंद, तो इसलिए प्रोनाउन से ही काम चल जाएगा। ही गेव न्यू डायरेक्शन, नई दिशा दिया टू द कंट्री, देश को नई दिशा दिया, पहले इसको लिखोगे सब्जेक्ट पर। ही गेव न्यू डायरेक्शन, डी आई आर ई सी टी आई एन, डायरेक्ट लिखे आई एन, टू द कंट्री बाई एडिंग, जोड़ कर कहेंगे जी, बाई एडिंग नेशनल ड्यूटी, ठीक है, नेशनल ड्यूटी मतलब राष्ट्र के कर्तव्य को या राष्ट्र धर्म को, नेशनल ड्यूटी टू ह्यूमन ड्यूटी, ह्यूमन ड्यूटी माने मानव का धर्म, नेशनल ड्यूटी माने राष्ट्र धर्म, ठीक है, राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसी को उन्होंने धर्म मान लिया था, ठीक ना। बाई एडिंग नेशनल ड्यूटी टू ह्यूमन ड्यूटी, फुल स्टॉप कर दीजिए, हो गया। अगला वाक्य है, ठीक, हाँ, एक नई दिशा, उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। ही अट्रैक्टेड द होल वर्ल्ड, ही अट्रैक्टेड द होल वर्ल्ड, उन्होंने सारे विश्व को आकर्षित किया। ही अट्रैक्टेड, ए डबल टी आर एस सी टी, अट्रैक्टेड में आकर्षित किया द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को या विश्व को। विथ हिज नॉलेज ही अट्रैक्टेड द होल वर्ल्ड, संसार वाला वर्ल्ड, विथ हिज नॉलेज, क्लियर, विथ हिज नॉलेज इन ए सिटी, इन ए सिटी मतलब शहर में, नेम्ड शिकागो, इन ए सिटी नेम्ड शिकागो मतलब शिकागो नामक शहर में। ध्यान देना शिकागो की स्पेलिंग भी, आप ध्यान देना सी एच आई, सी बड़े से रहेगा, सी एच आई सी ए जी ओ, शिकागो में सी एच से बड़ा सा पढ़ा जाएगा, क्लियर, सी एच आई सी ए जी ओ, शिकागो आप पढ़िए तो स्पेलिंग याद हो जाएगी शिकागो। आपको आफ्टर 20 ईयर्स कहानी नहीं थी जिमी बेल्स एंड बॉब, उसमें भी शिकागो आया था, क्लियर, साइड स्टोरी में पिछले साल पढ़े रहेंगे, ठीक, क्लास 11th में, फुल स्टॉप कर, शिकागो फुल स्टॉप। उसके बाद आप देखिए, उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था, तो लिखो हिज, ठीक है, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कहेंगे जी पर्सनालिटी, पर्सन पर्सनल लिख के आई टी वाई जोड़ दिए, हिज पर्सनालिटी वाज सो, इतना कहेंगे सो जेंटल लिख दिए सौम्य के अंग्रेजी में, सो जेंटल एंड अट्रैक्टिव, और आकर्षक था, वाज सो जेंटल एंड अट्रैक्टिव। उसके बाद दैट लगा दीजिए की कहेंगे दैट, ठीक ना, कैसे, सो जेंटल एंड अट्रैक्टिव दैट हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। लिखो एवरी पर्सन वाज इन्फ्लुएंसेड बाय हिम, एवरी पर्सन वाज इन्फ्लुएंसेड माने प्रभावित होना, बाय हिम उनसे, एवरी पर्सन वाज इन्फ्लुएंसेड, आई एन एफ एल यू ई एन सी ई डी, इन्फ्लुएंसेड बाय हिम, फुल स्टॉप कर दो। केसरिया वस्त्र और सर पर पगड़ी उनकी एक अलग पहचान थी, क्लियर, तो इसके अंग्रेजी लिखो, हाँ इसके पहले वाला, हिज पर्सनालिटी वाज सो जेंटल एंड अट्रैक्टिव दैट एवरी पर्सन वाज इन्फ्लुएंसेड बाय हिम, इफेक्ट माने केवल प्रभाव होगा और नाउन है, यहाँ वर्ब की जरूरत है इसलिए इन्फ्लुएंसेड लिखा जाएगा, क्लियर, दोनों में अंतर, मेन वर्ब की जरूरत है हमको, वो नाउन है। अब देखिए आगे, सैफ्रन, उसके बाद लिखो केसरिया वस्त्र कहेंगे, लिखो सैफ्रन क्लॉथेज, सैफ्रन स्पेलिंग लिखो एस ए डबल एफ आर ओ एन, सैफ्रन क्लॉथेज, योगी बाबा का भी यही रंग है सैफ्रन, ठीक है, सैफ्रन क्लॉथेज एंड टर्बन, और सर पर पगड़ी मतलब एंड टर्बन ऑन हिज हेड, सैफ्रन क्लॉथेज एंड टर्बन ऑन हिज हेड, क्लियर,
उसके बाद लिखो हाँ, वाज हिज डिफरेंट रिकॉग्निशन, उनकी एक अलग पहचान थी, अंग्रेजी लिखो वाज हिज डिफरेंट, अलग की अंग्रेजी DIFFERENT रिकॉग्निशन माने पहचान, लिखो रिकॉग्नाइज से रिकॉग्निशन माना है RECOGNITION, क्लियर, रिकॉग्निशन माने होता है पहचान, क्लियर, आइडेंटिटी माने भी पहचान होता है, आइडेंटिटी भी कह सकते हो, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो एडजेक्टिव है, आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी माने भी पहचान होता है, IDENTITION, तो रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइज से बना है पहचानना से पहचान। हाँ फुल स्टॉप कर दीजिए। विदेश से लौटने पर उन्होंने देशवासियों से कहा, लिखो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम फॉरेन, विदेश के लिए, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम फॉरेन FOREIGN कामा, उन्होंने देशवासियों से कहा, ही सेड टू हिज कंट्री मैन, फॉरेन कामा, ही सेड टू हिज कंट्री मैन, टू हिज कंट्री मैन, कंट्री मैन कामा डबल कामा, आप जो भी कहा इन्वर्टेड कामा लिखिए, आप अंग्रेजी पढ़ो, लिखो स्टडी इंग्लिश, इवर्डेस कर देना, स्टडी इंग्लिश, लर्न भी कह सकते हो, लर्न माने सीखो, स्टडी मतलब अध्ययन करके पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो अंग्रेजी सीखो कहे हो तो तब लर्न बेटर होता है, क्लियर, स्टडी इंग्लिश, स्टडी माने पढ़ाई करना, अध्ययन करना, बट हाँ परंतु कहेंगे जो बट अंग्रेज मत बनो, हाँ कामा कर दो आप, जहाँ कामा लगा वहीं लगा दो, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, बट से जोड़ दो आप, हिंदी के चक्कर में पढ़ो, हिंदी हिंदुस्तानियों की भाषा अंग्रेजी अंग्रेजी की, बट डोंट वी द इंग्लिश या डू नॉट वी, मतलब डू नॉट वी माने मत हो या मत बनो, क्लियर, बी माने होना है, हाँ बी ई, डोंट वी द इंग्लिश, आपकी बार द लगा देना, क्योंकि द इंग्लिश माने अंग्रेज होता है, खाली इंग्लिश लिखोगे तो अंग्रेजी भाषा होगी, क्लियर, डोंट वी द इंग्लिश, क्लियर, जैसे कहा गया इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा, फुल स्टॉप करके इन्वर्ट काम बंद कर दो, क्लियर। कृतज्ञ राष्ट्र स्वामी जी को सदा याद करता रहेगा, लिखो द ओबलाइज्ड कंट्री या नेशन कह दो, द ओबलाइज्ड कंट्री लिख लो या नेशन कर दो, द ओबलाइज्ड कंट्री या नेशन लिख लिए, कामा कंट्री कामा रहने दो, द ओबलाइज्ड कंट्री कह दो या नेशन भी कह सकते हो, OBLIGED, ओबलाइज्ड माने कृतज्ञ या एहसान मन, विल ऑलवेज कीप ऑन रिमेम्बरिंग माने याद करता रहेगा, ऑलवेज कीप ऑन रिमेम्बरिंग, क्लियर, कीप ऑन रिमेम्बरिंग हिम, बस हो गया, सदैव उन्हें याद करता रहेगा। तो ये था आज का ट्रांसलेशन, अगली वीडियो में आपको जो है हम इसका अगला सेट हल कराएंगे, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।